वेंटिलेटर के बेसिक कंट्रोल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। ये वेंटिलेटर जो हमारे पास है ये बैरेट कंपनी का वेंटिलेटर है। बेसिकली वेंटिलेटर क्या करता है, वेंटिलेटर पेशेंट उन पेशेंट्स को ऑक्सीजन और एयर प्रोवाइड करता है जो पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहे होते। ठीक है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक पेशेंट है जो इस टाइम वेंटिलेटर के थ्रू सांस ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके मोड्स के बारे में बात करते हैं। वेंट सेटअप में थोड़ा सा पास है। ओके, सो वेंट सेटअप में हमारे पास बेसिकली कितने मोड्स होते हैं। हमारे पास चार मोड्स होते हैं, जिसमें एसी मोड होता है, एसआईएमवी मोड होता है, स्पॉन्टेनियस मोड होता है और बायलेवल मोड होता है। मोस्टली जो हम मोड यूज करते हैं वेंट पे, वो हमारा एसआईएमवी मोड होता है। एसआईएमवी मोड क्या होता है? सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन। इस मोड के दौरान पेशेंट को वेंट के थ्रू भी ब्रेथ्स मिल रहे होते हैं, ऑक्सीजन मिल रही होती है, और इसके साथ साथ पेशेंट अपने खुद की भी ब्रीदिंग जो है वो बना रहा होता है, खुद के भी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बना रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास आता है दूसरा ऑप्शन जो है वो प्रेशर कंट्रोल का होता है। प्रेशर कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? प्रेशर कंट्रोल के अंदर जब पेशेंट को वेंटिलेशन मिल रही होती है तो एक सेट लेवल पे प्रेशर जो है वो लंग्स के अंदर मेंटेन किया जा रहा होता है, जिसके बदौलत जो है वो लंग्स जो है वो एक्सपेंड रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर FiO2 है। FiO2 बेसिकली क्या होती है? ऑक्सीजन के हमने पेशेंट को कितने परसेंट तक ऑक्सीजन देनी है, तो इसमें भी हमारे पास लेवल होते हैं, हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। अगर पेशेंट डी सेट कर रहा है, हमारे पास यहाँ पर मॉनिटर है, ये कार्डियक मॉनिटर है, इसमें पेशेंट की इस टाइम सेचुरेशन 100% है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 100% पेशेंट को नहीं देंगे, हम इसे टेपर ऑफ करते रहते हैं, कम करते रहते हैं 80, 70, 60, 50, 40। तो इस टाइम इस पेशेंट की जो ऑक्सीजन हम जो सप्लाई कर रहे हैं वेंट के थ्रू, वो है 21%। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है पीप। तो पीप बेसिकली क्या होता है? पीप बेसिकली एक एक प्रेशर होता है जो लंग्स के अंदर मेंटेन किया जाता है। ये हम बेसिकली जो लोअर लेवल है वो हम 5 तक रखते हैं पेशेंट को। वो पेशेंट जो जिनका लंग्स कोलैप्स हो रहे होते हैं, उन उस कंडीशन में हम इस पीप लेवल को 6 पे या 7 तक लेकर जाते हैं। मैक्स जो है वो हम 13 तक इसका ऑप्शन होता है, लेकिन हम 9 तक 10 तक भी लेकर जाते हैं। हाई पीप जो पेशेंट होते हैं उनका वेंटिलेटर ट्यूब जो है वो हम डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, पीप में बेसिकली क्या होता है? जैसे एक बलून होता है, वो जब इन्फ्लेट होता है और जब उसके वो हवा निकलते हैं तो वो क्या होता है? कोलैप्स हो जाता है बिल्कुल। इसी तरीके से इंसानी फेफड़े भी इसी तरह से काम करते हैं। जब वो उसका सांस पेशेंट का जो है बाहर आता है, तो पीप बेसिकली एक्सपेंड करके खोल के रखती है लंग्स को, ताकि दोबारा जब इंस्पायरेटरी करे, वो इंस्पायरेशन करे, सांस अंदर ले, तो वो प्रॉपरली लंग्स इन्फ्लेट हो सके। इसके अलावा ये जो पैरामीटर्स हैं ये हम सेट करते हैं वेंट पे सारे, जिसमें हम पेशेंट का मोड, प्रेशर कंट्रोल, FiO2, पीप, ये सारी चीज़ें हम सेट करते हैं। और जो अपर हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, ये पेशेंट्स के खुद होते हैं, जो पेशेंट बना रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास टाइडल वॉल्यूम आ जाता है, रेस्पिरेटरी आ जाता है और पीक प्रेशर आ जाता है। और ये ग्राफ इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि पेशेंट का लंग कितना एक्सपेंड हो रहा है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं इस टाइम आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कि ये हम देख सकते हैं कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन मिल रही है, कोई लीक तो नहीं है। अगर लीक होता है तो वेंट हमें वो भी सारी चीज़ें बता देता है। और इस ग्राफ के अंदर ये चीज़ बताई जा रही होती है कि जो लंग है वो कितना एक्सपेंड हो रहा होता है। फॉर सपोज अगर हमारा पेशेंट यहाँ पर डी सेट करता है, अगर ये ऑक्सीजन सेचुरेशन 70s में, 80s में, 60s तक चली जाती है, तो हम यहाँ से वेंट के थ्रू ऑक्सीजन का बोलस भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अलार्म सिस्टम भी होता है। अगर पेशेंट का सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अलार्म करता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फिल्टर होते हैं, जब हम जो हम पेशेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हमारा बैक्टीरियल फिल्टर है और ये HME फिल्टर है। ये बेसिकली एग्जिट पोर्ट है, एक्सपायरेटरी पोर्ट है। जब सांस बाहर निकालता पेशेंट को, तो इस पोर्ट से फिल्टर होके जाती है। और ये है पोर्ट, इंस्पायरेटरी पोर्ट। जब पेशेंट के इंस्पायर करता है, ऑक्सीजन इनटेक करता है, उस टाइम यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट के साथ जारी होती है। तो ये बेसिकली ट्यूबिंग्स जो है ये इस तरह से पेशेंट के साथ कनेक्ट की जाती है। ये ट्रेकियल ट्यूब के साथ भी कनेक्ट होती है और OATT के साथ भी कनेक्ट होती है। यहाँ पर पेशेंट को जो है वो ट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है गले में, जिसे कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब, और यहाँ पर जो है वो पेशेंट को OATT एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो लगी हुई है। उम्मीद है कि
आपने बेसिक चीज़ें जो है वेंट के मुतालिक वो सीखी होंगी। थैंक यू।